मंडी जिला के सुंदरनगर में घर से कॉलेज पढ़ने गई एक नाबालिग का अचानक से गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नाबालिका सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी क्षेत्र की रहने वाली है। नाबालिका की माता का देहांत हो चुका है और पिता पंजाब में काम करता है। सुंदरनगर में लापता नाबालिका अपने नाना नानी के पास रहती है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर शहर के अंतर्गत बीबीएमबी कॉलोनी क्षेत्र की बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली एक लगभग 17 वर्षीय नाबालिग का रोजाना की तरह घर से MLSM कॉलेज पढ़ने गई थी। वही जब शाम तक नाबालिका अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। इस पर परिजनों द्वारा लापता नाबालिग को इसके जान पहचान वालों के घर पर ढूंढा, लेकिन लड़की नहीं मिली। इसके उपरांत परिजनों ने मामले को लेकर पुलिस थाना BSL कॉलोनी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी नाबालिग लड़की घर से कॉलेज जाने के बाद से गायब है। परिजनों ने पुलिस से उनकी नाबालिग लड़की को ढूंढने की गुहार लगाई है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी BSL कॉलोनी प्रकाश चंद मिश्रा ने बताया कि थाना में एक नाबालिका गायब होने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़की को ढूंढने का प्रयास कर रही है। थाना में संबंधित इलाका से एक शिकायत मिली है कि एक इलाका से एक लड़की नाबालिग लड़की जो है कॉलेज गई थी और कॉलेज से जो है शाम को घर नहीं आई है, जिसकी शिकायत थाना पर प्राप्त हुई है। जो मामला दर्ज करके जो है वो अन्वेषण किया जा रहा है और जैसी भी सूरत होगी आइंदा कार्रवाई उन्हें लाई जाएगी। अभी तक किसी पर कोई शक नहीं जताया गया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।